हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जीवन परिचय की। आइए जानिए कौन है द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 25 जुलाई 2022 ईस्वी को शपथ ग्रहण की। वह भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। आपको बता दें, इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 ईस्वी तक रहा और वे भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। आपको बता दें, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं और वे उड़ीसा राज्य की पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो देश की राष्ट्रपति बनी हैं। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, उनका जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उन्होंने श्यामचंद मुर्मू से शादी की और जिससे उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। आपको बता दें, उनके लिए 2009 से 2015 ईस्वी के बीच का जो समय था, वह उनके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। इन 7 वर्षों के अंदर उनके अपने दोनों बेटों, उनके पति, उनकी माता और उनके भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। तो दोस्तों, अगर बात करें उनके करियर की, तो उन्होंने 1979 से 1983 तक उड़ीसा सरकार में सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। उसके बाद 1994 से 1997 तक स्कूल में एक शिक्षक के रूप में सेवा दी। उसके बाद 1997 से शुरू होता है उनका राजनीतिक करियर, जिसमें उन्होंने उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी और 2015 ईस्वी में झारखंड की राज्यपाल बनाया गया। इसके साथ ही वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और अभी फिलहाल में 25 जुलाई 2022 ईस्वी को उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये था द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन परिचय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।